सॉरी, वन सेकेंड, सो सॉरी। अब मुझे नहीं पता क्या इशू है, मुझे नहीं पता यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। हेलो इंडिया की जनता, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है इतनी हॉट कंट्रोवर्सी चल रही थी बिटवीन कैरी मिनाटी एंड रजत दलाल। मैंने तो आपको अपनी पिछली वीडियो में ही सारा कुछ क्लियर कर दिया था। भाई बात यह है कि उड़ता हुआ तीर ले लिया है कैरी ने। अब अगर कैरी ने माफी नहीं मांगी ना, बता दिया था कि क्या होने वाला है अगर क्या नहीं हुआ। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर अभी देख लो, सारा जो मैंने बयान किया है आपको पता लग जाएगा। जो मैंने कहा बिल्कुल सच कहा और वही हुआ जो मैंने कहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फाइनली कैरी ने वो ट्रिम कर दिया पार्ट जिसमें उसने रजत दलाल को रोस्ट किया था। हाँ भाई मिस्टर राजू, निकल गई हवा बाजी। खुद के कलेश खत्म नहीं हो रहे, दूसरों के कंप्रो करवा रहा है। शरीर बड़ा हो गया, दिमाग से बोना रह गया। जी हाँ दोस्तों, कर दिया गया वो ट्रिम पार्ट कैरी ने। सिग्मा मेल को जो मतलब एक ठेस पहुंचाई उसकी ईगो पर, वो पार्ट अब डिलीट हो चुका है, ट्रिम हो चुका है। क्या नाम है इसका? अरे यार राजू, रजत, रायचू, रजत दलाल। गुंडा बनना था, छपरी बन गया, और छपरी होने के तो फायदे बहुत है। कैरी मिनाटी ने अभी कुछ ही देर पहले एक स्टोरी अपलोड की है जिसमें उसने लिखा है, एज इट हैज बीन मेंशनड अर्लियर इननंबरेबल टाइम्स दैट वी क्रिएट कंटेंट रोस्ट वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। कि मतलब उसने पहले कई बारी मेंशन किया है कि जो वो कंटेंट क्रिएट करता है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करता है, विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा व्हाट्सएवर। मतलब उसके पीछे उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। एनीवेज, इन आवर लेटेस्ट वीडियो जो उसने अभी रोस्ट वीडियो डाली थी जिसमें कि उसने रजत लाल को रोस्ट किया था, इन स्किट पार्ट रजत भाई हैज टेकन इट एज एन ऑफेंस। कि उसमें रजत ने उसे एक ऑफेंस ले लिया और उससे उसकी फीलिंग्स हर्ट होगी। सॉरी अबाउट दिस एंड एज रिक्वेस्टेड बाय हिम दैट स्किट पार्ट ऑफ द वीडियो हैज बीन ट्रिम्ड। उसने माफी मांगी है एक स्टोरी के थ्रू, अपना ये स्टोरी है जो आपको मैंने अभी पढ़कर बताई। इस स्टोरी के थ्रू कैरी मिनाटी ने रजत दलाल को एक अपोलॉजी दी है कि सॉरी मैंने जो वीडियो डाला था वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, मगर किसी कारण के रजत उससे ऑफेंड और हर्ट हो गया, तो अब मैं उस वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ एज रिक्वेस्ट जो रजत ने की थी। अब मैं उस वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ। मुझे तो पता ही था दोस्तों ये होने वाला है, क्योंकि रजत दलाल हैव नो बाउंड्रीज। मैंने जैसा कि अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ही विल फक हिम फॉर श्योर, एंड कैरी ने बिल्कुल सही किया। अगर वो नहीं करता तो बहुत ज़्यादा हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे इसके, इस एक्शन के। अगर वो नहीं अब परफॉर्म करता इस एक्शन को, अपना इस पार्ट को नहीं ट्रिम करता, तो बहुत ज़्यादा हार्श कॉन्सिक्वेंसेस उसे फेस करने पड़ सकते थे। तो जो भी किया उसने अपनी इस मानसिकता के साथ सही किया, उसको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए था। सोच समझ कर इंसान को पंगा लेना चाहिए, जो उसने बुंड पंगा लिया उसको नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि रजत दलाल ने पहले भी अपना राजवीर के साथ जो इशू हुआ था उसमें रजत ने देखा कितना एक्सेजरेट कर दिया था इशू। तो आपको पता ही है कि इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ था, तो अगर अब कैरी नहीं डिलीट करता तो पता नहीं कहाँ तक बात पहुँच जाती। तो अब जो हुआ सही हुआ, कैरी को एक अपॉलॉजी वीडियो भी डाल देना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे को लगता है कि उसको एक अपॉलॉजी लेना चाहिए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया में ये जो रोस्टिंग होती है वो सही होती है या नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसा सीन, लीगल अपना लॉज क्या इस पर कहते हैं, वो आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप लोगों को पता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपना है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको एक राइट मिलता है जिसमें आप अपने बयान कर सकते हैं। बट लाइबल जिसके खिलाफ ये सब हुआ गया, रचा गया, जो कि रोस्टिंग हुई गई है, अगर उसको कोई आपत्ति नहीं है तो आपको कोई कानून अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर उसको आपत्ति है और उसकी फीलिंग्स को यह चीज़ हर्ट कर रही है तो आप कानून के कटघरे में आ सकते हो। इसलिए ख्याल रखें, रोस्टिंग करने से पहले हमेशा पहचान लो, जान लो, सब कुछ सारा कुछ समझ लो। क्योंकि जो भी रोस्टर्स हैं इंडिया में वो मतलब कभी होता है ना कि बात इतनी एक्सेजरेट इतनी बढ़ जाए कि उसके जो परिणाम है वो बहुत गलत साबित हो जाए, तो ऐसा ना हो। ये बहुत ही एक ख़तरनाक नीश है रोस्टिंग, मैं कहूँगा। तो कैरी मिनाटी ने जो किया अभी वो, उसको रजत को सही नहीं लगा, उसकी ईगो पे बात आ गई, सिग्मा मेल जो भी था। बात रही ये जो छपरी बीच में है उनकी, तो चलो क्या बोलूँ, उनकी कोई इतनी बड़ी डिग्निटी नहीं है, मेरे को लगता है वो नहीं आएंगे इसको प्रोटेक्ट करने। पर जिसकी डिग्निटी को, जिसकी इज्जत को मतलब ठेस पहुंचती है वही बंदा कदम उठाता है। तो रजत ने ऐसा अपना वीडियो देकर अपना सारा जो कि बयां कह रहा था कि उसको सही नहीं लगा कि कैरी को माफ़ी मांग देनी चाहिए और वीडियो को बाहर ट्रिम कर देना चाहिए, तो वो सब हुआ आपने देखा।
और बात रही एंड्रयू टेट की, तो वो तो मेरे को लगता नहीं इस पछड़े में पड़ेगा, क्योंकि उसका तो लेवल थोड़ा हायर है, तो एंड्रयू टेट को इस झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही हायर लेवल ऑफ सिग्मा है। दोस्तों आप बताएं कि क्या कैरी ने ये सही किया या गलत किया, या क्या कैरी की फट गई, क्या बोल सकते हो कमेंट में, ड्रॉप कर सकते हो, बेझिझक जो बोलना है बोल दो, आप आपके सारे कमेंट एक्सेप्टेबल हैं, जो बोलना चाहते हो बोल दो। बाकी क्या आपको लगता है कि रजत दलाल ने अपना जो अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी छवि को प्रोटेक्ट किया, वो सही किया? और बाकी क्या लगता है आपको कि रजत दलाल ने जो अपनी वीडियो रखकर अपनी जो मतलब कि उसकी भड़ास थी उसने प्रेजेंट की कि कैरी का वो अंजाम ठीक नहीं हुआ ये सब, वो क्या लगता है आपको सही किया अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए? और जो भी आपके ओपिनियन है वो आप अपना कमेंट में बता सकते हो, भेजिएगा। आपके सारे कमेंट्स मैं रिप्लाई में ज़रूर आपको आंसर दूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि आपका कमेंट सही है तो मैं उसके हिसाब से आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि आपका कमेंट सही नहीं है, मतलब कि मेरे को लग रहा है कि नहीं ऐसा कोई वो सही नहीं है बातचीत, तो मैं उसका उसके हिसाब से रिप्लाई आपको दूंगा। तो सोच समझ कर रिप्लाई देना। ऐसे तो देखा जाए पहले कैरी ने तरुण गिल को रोस्ट किया था, ठीक है, पर तरुण गिल ने इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लिया था। उसने मेरे ख्याल से कुछ पता नहीं किस वे में लिया, बट उसने कुछ चीज़ें और तरीके से सेटल की थी। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त तरुण गिल की अप्रोच सही थी या इस वक्त रजत दलाल की अप्रोच सही है, आप अपना बता सकते हो कमेंट में। आपके कमेंट का सबका वेट रहेगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपको एक प्यारे से नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, प्यार दिखा दो अपना प्लीज। आई वॉन्ट टू रीच 1 मिलियन। धड़ 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 सब्सक्राइब होना चाहिए। बाकी शेयर कर दो वीडियो को। लव यू ऑल, टेक केयर।